अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास, क्लास 7, ऑनलाइन विद कंप्यूटर, बुक 7, हमजा हनीफ हियर। ओके क्लास, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स का क्या काम है और क्या काम अंजाम दे रहे होते हैं, मतलब इनके होने से कंप्यूटर पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन सॉफ्टवेयर से। ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर नंबर 1। ओके क्लास, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बेसिकली हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर बोलते किसको हैं। अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डैट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर्स उनको कहते हैं बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स को, कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को जमा करके एक अदद प्रोग्राम बनाया जाता है, वो प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है क्लास, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर। प्रोग्राम उसको कहते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। अच्छा क्लास, हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं। कितनी तरह के? देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को अट्रैक्ट करते हैं, हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से मौजूद होते हैं? एग्जांपल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लैंग्वेज प्रोसेस। इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे इन तीनों को डिटेल में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स देखते हैं क्लास हम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम अपनी यूज़ के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, सेव करते हैं। दैट इज़ फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड्स, पावर पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेव करते हैं। क्लास सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वे प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कि उसने कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, रैम कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कितना प्रोसेस करेगा। ये तमाम का तमाम वे सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ओके क्लास, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहली एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर डैट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास क्या होता है हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पे होने वाला, ऑपरेट होने वाला, दिखाई देने वाले तमाम के तमाम एक्टिविटीज़, टास्क को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है इंटरफेरेंस हार्डवेयर और कंप्यूटर के बिटवीन, कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बिटवीन एक इंटरफेरेंस प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र को चलाने में आसानी हो जाती है, ईजी टू यूज़ हो जाता है। हम अगर अपने कंप्यूटर को ओपन करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? एक ईजी डिस्प्ले, एक आसान सा डिस्प्ले देखने को मिलता है जिससे हमें कंप्यूटर को चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी पेश आती है। अगर हम कोई फोल्डर्स देखना चाह रहे हैं, डिस्प्ले पे आइकन्स पड़े हुए हैं, टाइम देखना है, डेट देखना है, ठीक है, इसके डिफरेंट हमारे पास कलरफुल सा इंटरफेस नज़र आता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास टाइप्स होती हैं। टाइप्स कौन कौन सी है? विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। इट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम में जो रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, इसको मैनेज करता है। इट ट्रांसफर डाटा वेरियस डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हमारी जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, इन सबको डाटा ट्रांसफ़र करना, इन्हें ऑपरेट करना, ये भी हमारे
ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, प्रोवाइड अ वे फॉर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को ये वे फ्रेंडली वे प्रोवाइड करती है हार्डवेयर से अट्रैक्ट होने के लिए, हार्डवेयर से कनेक्ट होने के लिए। अगर मैं हायरार्की दिखाऊं ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको, तो वो कुछ यूं होती है, यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, यूज़र से लेके हार्डवेयर तक के दरमियान का इंट्रैक्शन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड करना है, जिससे बहुत ज़्यादा यूज़र और हार्डवेयर के इंटरफेरेंस में आसानी हो जाती है। क्लास ये था हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम परफॉर्म कर रहा होता है हमारे पास। अब आ जाते हैं क्लास हम अपने टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। ये भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त पर ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है। अच्छा क्लास, लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर किसको कहते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे कोई बात किसी चाइनीज़ को समझानी होगी तो मुझे एक अदद चाइनीज़ ट्रांसलेटर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? चाइनीज़ ट्रांसलेटर चाहिए होगा, जिसको मैं एक अपनी इंग्लिश या उर्दू में बात बोलकर उसको समझा सकूं। इसी तरह कंप्यूटर को भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होता है, जो कि कन्वर्ट कर दे उसकी ओन लैंग्वेज में, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस मौजूद होती हैं, जिनमें से फर्स्ट है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्लास कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जो निमोनिक बेस्ड होती है। निमोनिक्स कहते हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जा रहे हो, ऐसी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। क्लास दूसरी हमारे पास लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ईजी अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस होती है, इंसानों को आसानी से समझ आ जाती है, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास जावा, सी, सी प्लस प्लस, फोर्टान, कोबोल, पास्कल, पीएचपी, ईटीसी। ये हमारे पास तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस मौजूद हैं। अब आते हैं हम क्लास मशीन लैंग्वेज की तरफ। मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की ओन लैंग्वेज है। कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, 0110। तमाम की तमाम दी गई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, तब उसको बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं ट्रांसलेटर काम किस तरह करते हैं। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, कंप्यूटर को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी मशीन लैंग्वेज में, तब वो बात को समझेगा। इन तमाम की तमाम बातों को समझाने के लिए जो हमारे पास ट्रांसलेटर हैं, वो ये तीन ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। जब कभी भी हम असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, तो हमारे पास असेंबलर यूज़ होगा। असेंबलर ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। अब क्लास आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम क्या है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज के अंदर। कंपाइलर क्या करता है? तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल कर लेता है, और इंटरप्रेटर का काम है लाइन वाइज उसको चेक करना, अगर कहीं पे कोई एरर है तो वो उसको इंडिकेट कर देता है यहाँ पर एरर मौजूद है। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर भी हमारे पास ट्रांसलेटर की टाइप हैं। इनका काम है दी गई इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज के अंदर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इंशाल्लाह इसकी वर्किंग और मज़ीद काम हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।